बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे फिरनी। फिरनी बनाने का आपको इतना आसान, सिंपल और कम चीज़ों से फिरनी बनाने का तरीका बताएंगे कि आप सुन के हैरान रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिए, और अगर जिन्होंने कर दिया है उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। फिरनी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 किलो दूध लेके, इसको हमने 1.5 किलो दूध लेके इसको हमने बॉयल कर लिया है। 1 कटोरी चीनी हमने ली है, 1/2 कटोरी छुआरे हमने लिए हैं, 1/2 कटोरी पिसा खोपरा हमने लिया है, 1/2 कटोरी 1/4 कटोरी छुआरे खोपरे की हमने लेके इसको मोटा मोटा काट लिया है। पिसे हुए चावल हमने इसको घर में कूट के बारीक किया है, हमने 1 कटोरी लिए हैं। केवड़ा हमने 2 बूंद लेके इसके अंदर पानी शामिल कर दिया है, और 5 सब्जी इलायची लेके इनको हमने हाथों से कुटा कुटा कर लिया है। आए अब फिरनी बनाना शुरू करते हैं। एक बार फिर से आप सारी चीज़ें नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसे बनाने का बहुत ही आसान और सिंपल तरीका बताते हैं। 1.5 किलो दूध को चूल्हे पे रख के हमने इसको इतना पकाया है कि इसको हमने पका के बहुत ज़्यादा गाढ़ा, यानी कि 1 किलो तक कर लिया गाढ़ा है दूध के अंदर। अब हम इलायची डालेंगे जो हमने 5 कुटी कुटी कर ली। अब हम इसके अंदर चमचा हिलाएंगे दूध के अंदर। बहुत ही सिंपल तरीका आपको बताएंगे, बहुत ज़्यादा जल्दी बन सकती है ये। 1/2 घंटे के अंदर ये तैयार करके आप इसे फ्रिज में रख के ठंडा कर सकते हैं, अगर ठंडी खाना चाहते हैं तो। अब हम इसके अंदर पिसे हुए चावल शामिल करेंगे। चावलों को हम थोड़े थोड़े से करके फिर इसके अंदर शामिल करेंगे ताकि चावलों की गुठली ना बने, और मुसलसल इसे चलाते रहना है। हम आपको ये बनाने का बहुत सिंपल तरीका इसलिए बता रहे हैं ताकि वो लोग भी ट्राई कर सकें जिन्हें खाना बनाना नहीं आता। खीर बनाने में क्योंकि 2 से 3 घंटे लगते हैं, इसलिए हम आपको फिरनी बनाने का तरीका बताना है। ये 1/2 घंटे के अंदर रेडी हो जाती है। इसका जायका भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और हम बहुत ज़्यादा कम चीज़ों की मदद से फिरनी बनाने का तरीका आपको बता रहे हैं। थोड़े थोड़े से करके सारे छुआरे हमने इसके सारे चावल पिसे हुए हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अब खोपरा डालेंगे हम, क्योंकि बिल्कुल ही नए तरीके से फिरनी बना रहे हैं इसलिए सारी चीज़ें इसके अंदर डाल देंगे। जितनी भी मेवा हमने ली है सब हम फिरनी के अंदर डाल देंगे। इससे ये होगा कि मेवा हमारी अच्छे तरीके से दूध के चावलों के साथ पक जाएगी, और इसका भी जायका फिरनी के अंदर शामिल हो जाएगा। ऐसी फिरनी आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। 5 मिनट तक चूल्हा तेज़ करके आप इसके अंदर चमचा चलाते रहिए ताकि आपके चावल नीचे ना बैठ सकें, नीचे ना चिपक सकें। इससे बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, क्योंकि अगर चावल ज़रा से भी लग जाएं तो फिर सारी खीर में, सारी फिरनी में उसकी स्मेल आ जाती है। 5 मिनट तक तेज़ चूल्हे पे हमने इसको चला चला के पका लिया है। अब हम इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे ताकि जो चीनी का पानी हो वो भी काफ़ी देर तक पकने के बाद गाढ़ा हो जाए। चीनी जो पानी छोड़ेगी उससे फिर ये काफ़ी पतला हो सकता है, इसलिए वो भी गाढ़ा हो जाएगा। चीनी का पानी हम खुशक कर देंगे। चीनी डालने के बाद भी अब चूल्हा हमने इसका स्लो कर दिया है, स्लो चूल्हे पे अब हम इसे 5 मिनट तक चला चला के पकाएंगे। लेकिन चूल्हा हमने इसका बिल्कुल स्लो नहीं किया है, 1/2 से 1/2 यानी कि 1/4 चूल्हा हमने इसका कर दिया है। बहुत तेज़ तेज़ पक रही है ये, और हम इसको मुसलसल चलाते जाएंगे ताकि चीनी का पानी खुशक हो सके और नीचे कुछ भी ना लग सके। 5 मिनट और चलाने से फिरनी हमारी हो चुकी है बिल्कुल रेडी। ये अभी क्योंकि गर्म है इसलिए हिल रही है, वैसे ये गाढ़ी हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये कितनी ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी है। 1.5 किलो दूध में कम से कम 2 डिश फिरनी आपकी हो चुकी है तैयार। हम आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीका बताते हैं हर चीज़ को बनाने का, इससे वो लोग भी बना सकते हैं जिन्हें खाना बनाना नहीं आता। फिरनी हमारी हो चुकी है तैयार। अब हम आपको निकाल के प्लेट में दिखाते हैं कि ये कैसी बनी। उतारने से पहले हम इसके अंदर केवड़ा शामिल करेंगे, फिर इसे प्लेट में निकालेंगे। खुशबू तो बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है हमारी फिरनी की, बिल्कुल वैसी इसकी खुशबू आ रही है जैसी शादियों में आती है, शादियों वाली फिरनी में
आती है बिल्कुल वैसी इसकी खुशबू आ रही है। हमने आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीका बताया है। कितनी हो चुकी है तैयार, अब हम इसे निकाल के दिखाते हैं आपको कि ये कैसी बनी। फिरनी हो चुकी है हमारी बिल्कुल रेडी। देखिए 1.5 किलो दूध में कितनी सारी बनी है। अगर आप चाहें तो कम से कम 10 मेहमानों को इसे पेश कर सकते हैं। जितनी मेवा हमने इसमें डालनी थी वो हमने अंदर ही डाल दी थी। ऊपर से हम इस पर पिसा खोपरा शामिल करके इसको ठंडा करेंगे। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना होता है कि अगर बहुत सारी मेवा नहीं है तो वो कुछ मीठा बना ही नहीं सकते। हमने इसीलिए आपको बिल्कुल कम मेवा से ये चीज़ें बना के दिखाई हैं, ये फिरनी बना के दिखाई है, ताकि आप देख सकें कि एक दो चीज़ों से भी, एक दो ड्राई फ्रूट से भी आप मीठा बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल वैसा ही होगा, लजीज होगा, जायकेदार होगा, और आपके हाथों का बना हुआ होगा, साफ़ सुथरा होगा। घर का है तो आपको थोड़ा बहुत सस्ता पड़ेगा। अब आप हमें ये बताइए कि हमने ये बनाने में कहाँ कहाँ गलती की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को आगे दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हमारी गलती, कोताही और तारीफ को लिख के भेज सकते हैं। इसके साथ ही वीडियो को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिए।